आपके लिए कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश होवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। हमें बताना है कि इसमें जो पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर एरर है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउड बस, या जो बी ऑप्शन है ड्यूरिंग रश होवर, या सी ऑप्शन है एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, एंड जो डी ऑप्शन है और ट्रेवलिंग इन टू मेट्रो, इनमें से कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो हमें चूज करना है ए बी और सी और डी में से। तो चलिए देखते हैं। यू मस्ट अवॉइड, तो मस्ट के बाद अवॉइड आ रहा है। अवॉइड क्या है, अपेक्षा करना, मुख्य वर्ब का, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य कर रहा है। तो हमें पता है जितने मॉडल होते हैं उनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सही है। राइडिंग इन ए क्राउड बस और ट्रेवलिंग, देखिए राइडिंग यहाँ पर वर्ब है और ट्रेवलिंग भी यहाँ पर वर्ब आ रहा है और के बाद, तो ये भी सही है यहाँ पर। इन ए मेट्रो, तो इन ए मेट्रो भी सही है। ड्यूरिंग रश होवर, ड्यूरिंग रश होवर भी सही है। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट, देखिए क्वाइट का यहाँ पर अर्थ हो रहा है शांत, क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर क्वाइट का मैं शांत का अर्थ नहीं दे रहा है, क्वाइट होना चाहिए क्योंकि अनप्लीजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पर कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो क्यू यू आई टी ई क्वाइट हो जाएगा, मीन्स पूर्णतया। तो इसका आंसर कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, इस पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्वाइट ना आकर क्वेट आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, वो है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या डी में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, वो वीडियो हमारे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताया था कि हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस हो तो उसके अगले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वी विल हैव लॉस्ट न यूज होकर वी वुड हैव लॉस्ट यूज होगा, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, द वुड कटर फील्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। द वुड कटर फील्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट्स एट ऑल। तो हमें बताना है, इसमें ए ऑप्शन है सम ट्रीज, बी ऑप्शन है विद हार्डली, सी ऑप्शन है मैनी एफर्ट्स एट ऑल, एंड डी ऑप्शन है द वुड कटर फील्ड। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है, मींस कौन से ऑप्शन के अंदर एरर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वुड कटर फील्ड सम ट्रीज, तो सम के बाद प्लुरल नाउन का यूज होता है, यहाँ तक भी ठीक है। वुड कटर के बाद फील्ड एंड वी टू का यूज हुआ है, पास्ट टेंस की ये बात कर रहा है, तो ये भी सही है। विद हार्डली मैनी एफर्ट्स एट ऑल, देखिए हार्डली के बाद मैनी का हम यूज नहीं करते हैं, विद हार्डली एनी एफर्ट्स एट ऑल होता है। देखिए मैनी के बाद हमें वैसे भी पता है कि प्लुरल नाउन का हम यूज करते हैं, तो एफर्ट्स होता तो वो वैसे भी गलत है। तो यानी इसका आंसर होगा वो सी, इसका आंसर होगा सी पार्ट के अंदर एरर है, तो हो जाएगा यहाँ पर विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, मैनी के स्थान पर एनी हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है। तो फिलहाल इस सेंटेंस के अंदर सी पार्ट के अंदर एरर है, तो इसका आंसर सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट इज नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट इज नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, बी में मतलब कोई एरर नहीं है, सी में एरर है, या डी में, डी में एरर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द रिवर सब्जेक्ट है इसका, सब्जेक्ट द रिवर सिंगल, तो अपीयर सिंगल, सिंगल वर्ब्स यूज हो रहा है, सही है। टू हैव गोट, यानी द रिवर अपीयर्स टू हैव गोट, हैव टू हैव के बाद वी थ्री आता है, तो सही है ये भी।
इट इज नेम मीन्स नेम के लिए यूज हुआ, इट इज तो मतलब निर्जीव थिंग के लिए यूज हुआ, तो इट इज सही है। नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज भी यहाँ पर सही हुआ है। तो सेंटेंस का अर्थ होगा द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट इज नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, कि ऐसा लगता है कि जो नदी है उसका नाम है वो आसपास के शहर से पड़ा है। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसमें कोई भी किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, नो एरर। इसका आंसर क्या होगा, बी, नो एरर, इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमें बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, देखिए लैक ऑफ के बाद पुलर नाउन का यूज होगा, हमें पता है। तो लैक ऑफ रिक्वायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स का पुलर का रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर सही है ये। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स सही है। उसके बाद लीड यहाँ पर वर्ब है, जो लीड्स आएगा यानी लैक ऑफ, यानी ऑफ से अगर दो नाउन जुड़े हो तो फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो लैक क्या है, सिंगल है, तो इसके साथ लीड्स आना चाहिए, और लीड्स अगेंस्ट नहीं होगा, लीड्स के साथ टू प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, तो इसी पार्ट में एरर है, लीड टू होगा, लीड्स टू होगा, तो सी पार्ट में एरर है, इसका आंसर सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो हमें पता करना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या डी में है। ये सीजीएल 2021 के अंदर इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देखते हैं, दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर, देखिए हमें पता है इन प्रीपोजिशन का यूज होता है बड़ी शहरों के नाम के पहले, तो इन मैसूर सही है यहाँ पर। दिस ईयर, दिस के साथ सिंगल नाउन यूज होता है, तो ये भी सही, दिस ईयर आर, तो दशहरा सेलिब्रेशन पुलर नाउन है, इसके लिए आर यूज हुआ, तो ये भी सही है। दिस द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर सही है। ग्रैंडेस्ट देन नहीं होगा, देखिए दो चीज़ों का कंपेरिजन हो रहा है, यानी अदर जो बाकी के जो राज्य हैं उनका कंपेरिजन हो रहा है मैसूर से, तो यानी कॉम्पिटेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो ग्रैंडेस्ट नहीं होगा, इसमें ग्रैंडर होगा, यानी ग्रैंडेस्ट के स्थान पर क्या होगा, ग्रैंडर, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्रैंडेस्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग्रैंडर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मेन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या डी में है। तो देखिए, इट हैव बीन नहीं होगा, इट हैज बीन होगा, क्योंकि इट है वो सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का यूज होगा, तो हैव यहाँ पर क्या है, प्लुरल वर्ब है, तो इट हैज बीन होगा, इट हैज बीन, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी इट हैव बीन ओनली, यही इसका आंसर होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, इट हैज बीन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन। हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, या बी पार्ट में एरर है द टीचर्स, या सी पार्ट में एरर है टू मॉनिटर, या फिर डी पार्ट में एरर है एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन। तो चलिए देखते हैं, द प्रिंसिपल सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ रिक्वेस्टेड है, वी टू यानी पास्ट फॉर्म का, सिंपल पास्ट टेंस का इसके अंदर यूज हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, देखिए द टीचर्स, देखिए एस्ट्रोपीस एस का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम किसी का पोजिशन दर्शाते हैं, यानी किसी चीज़ पर अपना अधिकार दर्शाते हैं, जैसे जैसे रोहन्स पेन, ये रोहन का पेन है,
तो ऐसे टीचर्स नहीं होगा, यहाँ पर टीचर्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद योर कॉफ़ी सर, आस्केड द वेटर। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर है। ए पार्ट में एरर है आस्केड द वेटर, या बी पार्ट में एरर है अलोंग विद योर कॉफ़ी, या सी पार्ट में एरर है वुड यू लाइक, डी पार्ट में एरर है सम फ्राइज। देखिए वुड यू लाइक डी नहीं होता, वुड यू लाइक होता है, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर सी होगा। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद योर कॉफ़ी सर, क्या सर आप सम फ्राइज के साथ, सम फ्राइज लेना चाहोगे कॉफ़ी के साथ, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो वुड यू लाइक डी नहीं होता, वुड यू लाइक होता है। वुड के बाद यानी जितने मॉडल होते हैं उनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर लाइक आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू, यानी सुपरवाइजर चाहता है कि प्रोज और कॉन्स को जानना इशू के। तो हमें बताना है कौन से पार्ट के अंदर इसमें एरर है। ए पार्ट में एरर है द प्रोज एंड कॉन्स, या बी पार्ट में एरर है वांटेड टू नो वन, या सी पार्ट में एरर है ऑफ द इशू, या फिर डी पार्ट में एरर है द सुपरवाइजर। तो देखिए द सुपरवाइजर सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ वांटेड यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज सेंटेंस में हुआ है। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो वन नहीं होगा, नो होगा। देखिए वांट के बाद हमेशा टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर वांटेड टू नो होगा, नो वन नहीं होगा, टू नो, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा यह एग्जैक्ट सेंटेंस होगा, द सुपरवाइजर वांट टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। देखिए लिड होता है, ढक्कन होता है, कैप को हम लिड बोलते हैं, ढक्कन को। तो रमन पुटेड द वेजिटेबल्स, हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर डी में है। देखिए रमन सिंगल सब्जेक्ट है, उसके बाद पुटेड आ रहा है, तो पुटेड ऐसा कोई वर्ब होता नहीं है कि पुट के अंदर ईडी लगा दें तो वो पुटेड बन जाए। पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है, सेकंड भी पुट ही होती है, थर्ड भी पुट ही होती है, तो यहाँ पर पुटेड के स्थान पर पुट आएगा, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। तो रमन पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन मीन्स होता है जो तलने का जो डब्बा होता है उसके अंदर उसने आफ्टर दिस हम एडिंग वाटर, वेजिटेबल को रख दिया उसमें कुछ वाटर डालकर, एंड क्लोज द लीड, और बोतल के ढक्कन को क्लोज कर दिया, तो लीड मीन्स होता है ढक्कन होता है, तो इसका आंसर डी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द रिक्रूटर्स वर प्लीज टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। द रिक्रूटर्स वर प्लीज टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। तो हमें बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में द रिक्रूटर्स में एरर है, बी पार्ट में टू जॉन्स इसमें एरर है, सी पार्ट में डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी इस पार्ट में एरर है, या फिर डी वर प्लीज इस पार्ट में एरर है। तो देखिए द रिक्रूटर्स यहाँ पर प्लुरल नाउन है, इसके साथ वर्ब प्लुरल वर्ब का यूज हो रहा है, तो सही है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड भी मतलब मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो भी सही है। प्लीज टू का यूज नहीं होता है, प्लीज विद होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। टू जॉन्स के स्थान पर क्या आएगा, विद जॉन्स होगा। तो द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड विद जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है, टू के स्थान पर विद होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी, यहाँ तक सेंटेंस सही है, आगे अलोंग के साथ विद का हम यूज करते हैं, अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स, तो अलोंग के बाद हमें विद लगाना है, तो इसमें सी पार्ट के अंदर एरर है, अलोंग के बाद हम विद का यूज करेंगे, अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स, ये सेंटेंस सही होगा, तो इसमें सी पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द सी हैज बिकम ए चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर डी में है। देखिए
दस ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ का यूज़ हो रहा है, मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, तो ये सही है। सिंगल, क्योंकि सिंगल सी ए दस ये सिंगल सब्जेक्ट है, उसका सिंगल वर्ब हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ के बाद वी थ्री का यूज़ होता है, बिकम वी थ्री है, तो क्योंकि बिकम बिकेम बिकम होता है, तो ये आतंक भी सही है। एन चीप डंपिंग ग्राउंड, तो देखिए चीप एक नाउन है, चीप क्या है, एक एडजेक्टिव है, वो डंपिंग ग्राउंड के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है डंपिंग ग्राउंड की, तो इसके पहले हमने आर्टिकल एन का यूज़ हुआ है, तो आर्टिकल एन न यूज़ होकर ए यूज़ होगा। देखिए हमें पता है कि एन का यूज़ हम जब करेंगे जब कॉन्स्ट वोवल साउंड से किसी वर्ड का पहला शब्द स्टार्ट हो, अगर कॉन्स्टेंट से पहला शब्द स्टार्ट होगा तो हम ए का यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर चीप यानी कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए आएगा, एन के स्थान पर ए आएगा, तो इसमें इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एन के स्थान पर ए यूज़ करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन ओवर एरिया, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर है। देखिए ये पूरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इज के स्थान पर क्या आएगा, हैज आ जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल हैज लीड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन ओवर एरिया, तो इसमें ए पार्ट के अंदर एरर है, ए पार्ट के अंदर एरर नहीं है, बल्कि डी पार्ट के अंदर एरर है, इज के स्थान पर हैज आ जाएगा, तो डी पार्ट के अंदर इसमें क्या है, एरर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट साइंस 10 ईयर्स, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट साइंस 10 ईयर्स, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में दे हैव लिव्ड या बी पार्ट में कोई एरर नहीं है, या सी पार्ट इन दिस अपार्टमेंट या डी पार्ट सिंस 10 ईयर्स, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए दे सिंगल सब्जेक्ट है, दे प्लुरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लुरल वर्ब हैव का यूज हुआ हैव के बाद वी थ्री आएगा, तो यहाँ तक सही है, दे हैव लिव्ड सही है, इन दिस अपार्टमेंट भी सही है, साइंस 10 ईयर्स नहीं होता है, 4 10 ईयर्स होता है, 4 10 ईयर्स, 4 20 ईयर्स, 4 30 ईयर्स, 4 2 मंथ, 4 6 ईयर्स, तो यहाँ पर इन शब्दों पहले, इन शब्दों के पहले हम फोर का यूज़ करते हैं ना कि सिंस का, जैसे मॉर्निंग सिंस, मॉर्निंग सिंस, इवनिंग सिंस 2009, इनके पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं, जितने भी ईयर्स होते हैं फिक्स्ड जो ईयर्स होते हैं उनके पहले हम फोर का यूज़ करते हैं, 4 10 ईयर्स, तो यहाँ पर सिंस के स्थान पर क्या होगा, 4 10 ईयर्स होगा, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सिंस के स्थान पर फोर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, ही विन सेवरल एक्लॉड्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में ही विंस में है, बी पार्ट में म्यूजिक कंपोजिशन में है, सी पार्ट फॉर हीज के लिए है, या डी पार्ट के अंदर सेवरल एक्लॉड्स में है, तो देखिए हमें देखते ही पता चल रहा है कि ही विंस नहीं होगा, ही विंस होगा, विंस विन के अंदर एस वो लग जाएगा, तो ही विंस, क्योंकि ही सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगल वर्ब आएगा, तो ही विंस सेवरल एक्लॉड्स होगा, तो इसी में। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन शी वेंट फॉर ए वॉक माया कुडंट टेक ऑफ हर स्क्रब बिकॉज इट वॉज टू मच वाइंडी, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में है, या फिर सी में है, या फिर डी पार्ट में एरर है। देखिए व्हेन शी वेंट फॉर ए वॉक, जब वो एक वॉक पे गई थी, माया कुडंट टेक ऑफ हर स्क्रब, वो अपने स्क्रब को नहीं उतार सकी क्योंकि इट वॉज टू वाइंडी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। देखिए व्हेन सी के बाद हमें पता है कि वेंट का यूज़ हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस के अंदर पूरा ये सेंटेंस है, तो हमने देख लिया कि सिंपल पास्ट टेंस में ही है पूरा सेंटेंस, तो सही है टेंस इसमें सही है पूरे सेंटेंस में। व्हेन सी वेंट फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक का वेंट फॉर ए वॉक होता है, वेंट फॉर वेंट फॉर या फिर गो फॉर, यानी किसी कहाँ जाना होता है घूमने के लिए, तो सी वेंट फॉर ए वॉक, वो वॉक के ऊपर गई। माया कुडंट, कुडंट के बाद हमें पता है मुख्य रूप से फर्स्ट फॉर्म है, तो टेक ऑफ सही है यहाँ पर भी, हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच वाइंडी, टू मच वाइंडी नहीं होगा, देखिए वाइंडी यहाँ पर क्या है, वाइंडी यहाँ पर जो है वो है एडजेक्टिव है, तो टू मच वाइंडी ना होगा, टू मच वाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि पता है कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, तो वाइंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाइंडी एडजेक्टिव हो गया, तो वाइंडी नहीं आकर वाइंड आ जाएगा, इट वॉज टू मच वाइंड, तो इसका इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टू मच वाइंड ही ना होगा, टू मच वाइंड होगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं. वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस. तो देखिए वी डोंट रियली वांट, डोंट के बाद मुख्य रूप की फर्स्ट फॉर्म सही है, ए लार्ज हाउस भी सही है. वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्टेबल एंड सम कन्वीनियंस ऑन मॉडरेट प्राइस. तो सम कंफर्ट के स्थान पर कंफर्टेबल आएगा, तो इसी पार्ट में एरर है. तो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, डी पार्ट के अंदर इसमें एरर है.